चैप्टर नंबर नाइन ऑफ आर बुक दैट इज सोलूशन यानी कि हम इस चैप्टर में थॉरली डिस्कस करेंगे सोलूशंस को कि सोल्यूशंस क्या होते हैं आप उनको किस तरह से उनकी कंसनट्रेशन को एनाल कर सकते हैं डिफरेंट यूनिट्स के अंदर तो सबसे पहले स्टूडेंट हम सोल्यूशन को डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स आपके पास जब एक या दो मिक्सचर आपके पास मिक्स होते हैं यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मिक्सचर बनता है तो आपके पास एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन आती है अब स्टूडेंट्स आपके पास ये हो सकता है मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास स्टूडेंट्स एक सोल्यूशन है इट इज़ कम्पोज ऑफ अ सोल्यूट एंड अ सॉलमेंट यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि सोल्यूट वो आप सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स जो कि आप लोअर क्वांटिटी में लेते हैं उसको आप डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर विच इज बिगर इन क्वांटिटी और आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स उसको स्टेर करते हैं यानी कि प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन से गुजारते हैं जब तक कि आपका पूरा मिक्सचर यूनिफॉर्म ना हो जाए यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूशन की फॉर्म ना ले ले अब स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कम डाल के डिसोल्यूट कर रही हूँ उसको यानी कि एक मिक्सचर बना रही हूँ तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि अगर सोल्यूट कम है तो इट विल बी लेस कंसनट्रेटेड अगर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है यानी कि अगर मैंने ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट यूज़ किया है तो मैं ये कह सकती हूँ सोल्यूशन के लिए ये टर्म यूज़ कर सकती हूँ कि आपका सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है अब स्टूडेंट्स हमें इन पर्टिकुलर कंसनट्रेशन के लिए कि आपने ग्राम्स में अपना सोल्यूट यूज़ किया है आपने ग्राम्स में, में अपना सॉल्वेंट यूज़ किया है आपने वॉल्यूम में यानी कि डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में आपने अपना सोल्यूट या सॉल्वेंट यूज़ किया यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ यूनिट्स के अंदर कंसनट्रेशन के यूनिट्स के अंदर आप ग्रेजुएट करते हैं अपनी मेजरमेंट्स को यानी कि इनको डिस्कस करते हैं अपनी लैब्स के अंदर इन पैरामीटर्स के बेस पर स्टूडेंट्स आप मुख्तु किस्म की मेजरमेंट्स कर सकते हैं और एक्यूरेट रिजल्ट सब्सिक्वेंटली किसी भी केमिकल रिएक्शन

सोल्यूशन आ रहा है ट्वेल परसेंट सोलूशन ऑफ ग्लूकोज आ रहा है देन इट डेफिनेटली मीनस कि आपके पास स्टूडेंट्स उस हंड्रेड ग्राम्स के अंदर जो ट्वेल्व ग्राम्स हैं वो आपके पास ग्लूकोज के हैं यानी कि स्टूडेंट्स उसके अंदर ट्वेल्ल ग्राम वैस ग्लूकोज प्रेजेंट है सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल नंबर वन देख लेते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज बाई वेट ऑफ एन ए सी एल इफ़ टू ग्राम्स ऑफ एन ए सी एल इज डिजॉल्व इन ट्वेंटी ग्राम्स ऑफ वाटर तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है वेट बाई वेट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है एन की इस पर्टिकुलर आपके पास मैथ्स के लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि टोटल मैथ कैलकुलेट कर लेते हैं यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मैथ्स ऑफ सोल्यूशन है उससे आपने डिवाइड करना है मैथ्स ऑफ सोल्यूट को तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि टू ग्राम्स को ऐड कर देंगे ट्वेंटी ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा ये ट्वेंटी टू ग्राम्स तो स्टूडेंट्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्स टू मैथ इज स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है डिवाइडेड मैथ सोल्यूशन इन टू हंड्रेड तो इसको स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर लेंगे टू डिवाइडेड बाय ट्वेंटी विच विल बी इक्वल टू यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाता है नाइन परसेंट यानी कि स्टूडेंट्स आप जिस पर्टिकुलर सोल्यूशन के साथ डील कर रहे हैं वो नाइन परसेंट है आगे चलते स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यानी कि स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन यानी कि स्टूडेंट्स आपने ग्राम्स को डिजोल्व किया होता है डेसीमीटर क्यूब के अंदर या सेंटीमीटर क्यूब के अंदर यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं ट्वेल्व परसेंट आपके पास सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ इथाइल अल्कोहल की देन आई डेफिनेटली मीन कि आपने हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब में आपने डिजोल्व किया हुआ है अपने ट्वेल्व ग्राम ऑफ इथानॉल को या किसी भी आप जो सोल्यूट की बात करें परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वालीम ऑफ सोलूशन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड गेस का पर्टिकुलर फॉर्मूला है देन स्टूडेंट्स yes आपके पास आ जाता है परसेंटेज वालीमूम बाई वॉल्यूम यानी कि आपने डेसीमी हुआ है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को डिजोल्व किया हुआ है मैस ऑफ सोल्यूशन के अंदर यानी कि आप डेसीमी सेंटीमीटर क्यूब को डील कर रहे हैं डील कर रहे हैं आप ग्राम ऑफ सोल्यूशन के साथ स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है मुलैरिटी स्टूडेंट्स मुलेरिटी एंड मुलेरिटी जिसको आप सब्सिक्वेंटली अभी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं आपकी कैलकुलेशन के लिए यानी कि स्टूडेंट्स जो बाय एंड लार्ज हम टाइट्रेशन अपनी लैब्स के अंदर करते हैं विच आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट या आपने एसिड या बेस की कंसनट्रेशन जिसमें मालूम करनी होती है स्टूडेंट्स आप मुलेरिटी से अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आपके पास मुलेरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन या स्टूडेंट्स आप मोलरिटी का फॉर्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट्स्यूटेड बाईड का फॉर्मूला ओपन कर लेना है मल्टीप्लाई बाय बाय डेसीमी क्यूब ऑफ सोल्यूशन डेसीमी सोल्यूशन अब स्टूडेंट्स याद देखिएगा कि आपकी जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है वो डायरेक्टली आपको रिलेट कर रहा होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के साथ यानी कि स्टूडेंट्स आपके वॉल्यूम के चेंज होने के साथ साथ मोलैरिटी चेंज हो रही होती है

यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब को जब भी स्टूडेंट्स आपने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा आप क्या करेंगे उसको थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ही आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब मोलैरिटी इज टू स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड मोलर बायर ऑफ सोलूट इंटू वन बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब डेसीमी हो गया अब इसको स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं ट्वेंटी पॉइंट सेवन डिवाइड बाई वन थर्टी एट वन थर्टी एट इट विलड बाई जीरो पॉइंट फाइव देन इट विल बी स्टूडेंट पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री मोल्स पर डेसी मीटर क्यूब ये स्टूडेंट्स आपकी आ जाती है मलेरिटी स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं मुलालिटी को जो कि बिल्कुल इन कंट्रास्ट आती है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ मुलेलिटी तो स्टूडेंट्स आपके पास जो मुलालिटी का फॉर्मूला है वो है स्टूडेंट्स आपके पास मोल्स ऑफ मोल्यूट डिडेड बाई किलोग्राम सोलमेंट यानी कि स्टूडेंट्स इसमें आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के साथ डील नहीं कर रहे होते आप डील कर रहे होते हैं किलोग्राम यानी कि मैथ्स ऑफ सोलमेंट के साथ यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हमने वन एटी ग्राम पर मोल ऑफ यानी कि वन मोल ऑफ को हमने कर दिया वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर तो स्टूडेंट्स आपके पास जो टोटल मैथ आएगा जो टोटल आपके 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 पास आएगा, आप पास पूरे का, वो आप पास स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आएगा पूरे का वो आ रहा होगा प्लस वन थाउजेंड किलोग्राम स्टूडेंट्स यानी कि वन किलोग्राम से आपने किया तो आपके पास आ रहा होगा इलेवन एटी ग्राम ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा होगा अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास वन मोलर जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उनकी मोलैरिटी यानी कि स्टूडेंट्स उनके जो आपके पास मैसेज ऑफ सोल्यूशन होंगे वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट होंगे इन रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के आपके पास मुलालिटी और मुलालिटी सारे सोल्यूशन की सेम हो जैसे कि स्टूडेंट्स आप इस केस में देख सकते हैं कि आपके पास जैसे सुक्रोज है। सुक्रोज है का स्टूडेंट्स आपके पास है मोलल मोलल का क्या मतलब है थ्री फोर्टी टू ऑफ इट इज डिजोल्व इन थाउजेंड किलोग्राम ऑफ सोलमेंट यानी कि स्टूडेंट्स आप जब इसको एड करते हैं सुक्रोज के मैथ को और वाटर के मैथ को तो आपके पास आ जाता है थर्टीन फोर्टी टू

कन्वर्ट कर देना है किलोग्राम्स के अंदर यानी कि स्टूडेंट्स वो ग्राम्स में लेकिन हम डील कर रहे होते हैं किलोग्राम्स के साथ तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे मैस ऑफ सॉल्वेंट वुड बी डिवाइडेड बाय थाउजेंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टू पॉइंट टू फाइव किलोग्राम्स दैन स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स आपके पास जो टाउलिन है उसका आपके पास जो मूलर मैस है वो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है नाइन्टी तो इसको स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली लिखते हैं मोलैलिटी विल बी इक्वल टू मैथ ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वन बाय पॉइंट टू फाइव तो स्टूडेंट्स इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे फाइव डिवाइडेड बाय नाइन्टी पॉइंट जीरो फाइव फाइव पॉइंट जीरो फाइव फाइव डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट टू फाइव विल बी पॉइंट टू टू तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आता है वो आता है पॉइंट टू टू मोलर अब स्टूडेंट्स आपके पास मोलैरिटी और मोलैलिटी के दरमियान क्या डिफरेंस है कि मोलैलिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट लाइक आई अर्लियर वेयर एज मोलैरिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो स्टूडेंट्स ये इनके दरमियान है की डिफरेंस है लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास है कि मोलैलिटी इंडिपेंडेंट क्यों होती है टेम्परेचर से क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास मोलैलिटी के फॉर्मूला के अंदर हम डिपेंड कर रहे होते हैं मैथ ऑफ सॉल्वेंट से ना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपका जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है दैट इज वाई मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट वेयर एज मुलालिटी इज इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ की पॉइंट थे जिससे हमने क्या किया डिफ्रेंशिएट किया मोलैरिटी के अंदर और मुलालिटी के अंदर थैंक यू